जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा जिले के उपनगरीय क्षेत्र बालको वन परिक्षेत्र अंतर्गत यह बेला कछार क्षेत्र है। और एक अनोखा मामला सामने आया है जहां पर कुछ ग्रामीणों ने एक नन्हे से जंगली जीव को जो है वह सुरक्षार्थ यहां उसके जो बच्चे को जो है रखा हुआ है, क्योंकि वह जंगल से भटकते हुए रहवासी क्षेत्र में आ गया था और जिसे हिरण प्रजाति का कोटरी कहते हैं, और हिरण प्रजाति में वह छोटा बच्चा है जिसे सुरक्षार्थ जो है हो सकता है कि संभवतः जिनपे कुत्ते इत्यादि जो है उन्हें जो है नुकसान न पहुंचाए, इस उद्देश्य से यहाँ के ग्रामीणों ने उसे सुरक्षार्थ जो है रखा हुआ है। वन विभाग को हमारे द्वारा हमारे टीम के जो है प्रधान संपादक की जो टीम के जो कैमरा सहयोगी और साथ ही स्टेट प्रमुख पुरुषोत्तम साहू जी ने इनको कॉल किया, और कॉल करने के पश्चात वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और उसको सुरक्षार्थ जो है अपने कस्टडी में करते हुए उसे जो है संभवतः कानन पिंडारी या कहीं अन्य पार्क में स्थान दिया जाएगा। आइए देखते हैं कि कितना प्यारा और किस तरह से मासूम नजर आ रहा है। ये इस कमरे में सुरक्षार्थ उस जीव को, नन्हे से जीव को जो है रखा गया है और वन विभाग की टीम मौके पर जो है समाचार भारती की टीम के द्वारा बुला लिया गया है और उसे सुरक्षार्थ वहां रखा गया है। अब देख पा रहे हैं नन्हा सा यह डर में भय में जो है भय के आलम में यहां पर है और फिलहाल उसे सुरक्षार्थ रखा गया है ताकि किसी जीव जंतु के द्वारा उसे क्षति नहीं पहुँचाया जाए। और फिलहाल वन विभाग की टीम भी मौके पर है, उसे सुरक्षार्थ यहाँ से ले जाने की तैयारी की जा रही है। आइए जानते हैं उसे किस नाम से संबोधित किया जाता है और क्या कहते हैं, किस प्रजाति का यह जीव है। नमस्कार। हाँ सर, क्या नाम है आपका? अरुण कुमार देवांगन। देवांगन जी, कहाँ रहते हैं आप? बेला कछार। यहाँ आपका घर है? हाँ, यही घर है सर। आप सबों ने जो है सुरक्षार्थ रखा हुआ है जी सर? अच्छा, तो फिलहाल जो है कब आपके आपने देखा है इसे? अभी देखा हूँ सर मैं। तो उसे सुरक्षित रख दिया? हाँ, रख दिया ताकि किसी जानवर जूते को मत खा सके, क्योंकि इसको रख दिया है सर। ओ, अच्छा, ओ, क्या किस प्रजाति का है ये? जंगल का जानवर है सर। हाँ, इसको हम लोग कोटरी बोलते हैं। कोटरी माने हिरण? हिरण, हाँ, हिरण नहीं, कोटरी है। हिरण हाँ, से छोटा है। अच्छा, हिरण बड़ा होता है। हिरण इससे बड़ा होता है? बड़ा होता है, छोटा है उसी के। हाँ हाँ, बस वही वही है सर। हाँ जी सर, जी सर। चलिए, बहुत ही सराहनीय कार्य है कि आप सबों ने उसे सुरक्षित रखा जी सर। वन विभाग की टीम मौके पर है। कोटरी को सर, कोटरी को आप जो है कहाँ पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं? इसको अभी ले जाएंगे, इसको इलाज करवाएंगे इसको अभी। अच्छा, है ना, थोड़ा सा उपचार कराएंगे पहले। अच्छा, उसके बाद फिर स्थिति देख के उसको जंगल में छोड़ेंगे। क्या कहते हैं इसे? ये हिरण प्रजाति का है, ऐसे देहात में से कोटरी कोटरी बोलते हैं। अच्छा अच्छा, तो उसके पश्चात कहाँ उपचार के पश्चात कहाँ इन्हें छोड़ने का? वैसे हम लोग को कानन पिंडारी है, हम लोग का छोड़ने कराता है बिलासपुर में। बिलासपुर में कानन पिंडारी। कानन पिंडारी क्या है सर? कानन पिंडारी जो जैसे अपन कोई भी वन्य प्राणी जैसे मतलब जंगल में कोई घायल हो गया है, माने चिड़ियाघर बोलते हैं, चिड़ियाघर है, घायल वायल हो गया तो वहाँ लेके उसको ट्रीटमेंट करते हैं और कुछ देर रखते हैं, जो स्वस्थ होने पर उसको फिर से जंगल में छोड़ा जाता है। अच्छा, पुनः इसे फिर जंगल में छोड़ दिया? हाँ, छोड़ दिया जाता है। अच्छा, तो वो कानन पिंडारी में हमने जाना है, सुना है कि वहाँ पे और भी इस तरह के जीव जंतु हैं? हाँ है ना, सुरक्षार्थ सुरक्षार्थ रखे रहते हैं। अच्छा, किंतु इसे नहीं रखा जाएगा, इसे पुनः जंगल छोड़ दिया जाएगा? नहीं, स्वस्थ होने पर, अभी तो स्वस्थ होने के पश्चात स्वास्थ्य जब तक ठीक तब तक उसको रखेंगे। अच्छा, है ना, अपना परिचय देंगे जरा? मैं संतोष कुमार कांत, उपन क्षेत्रपाल, परिक्षेत्र सहायक दोनों, परिक्षेत्र कार्यालय बालको। धन्यवाद आपका। ये कांत जी थे जिन्होंने जानकारी दी। यहाँ के तमाम ग्रामीणों ने जागरूकता बस जो है उसकी सुरक्षा बस उन्हें रखा है। आइए जानते हैं किन्होंने उसे कैच किया, उसे सुरक्षित पकड़ा और अभी सुरक्षित कमरे में रखा हुआ है ताकि, और यहां से वन विभाग के सुपुर्द से किया जा रहा है। आपने शायद पकड़ा था? क्या नाम है आपका? मैं दिनेश श्रीवास। कहां दिखा है आपको? वो बाड़ी से पार होके आए हैं, कुत्ते लोग दौड़ा रहे थे। यह जो बाड़ी दिख रहा है, आइए हम बाड़ी का नजारा देख लेते हैं कि ये बाड़ी एक्चुअली में जंगलों से सटा हुआ यह ग्राम है और यही वजह रही कि यहाँ पर भटक कर जो है यह जीव जो है वह चला आया है और अन्य जानवरों के खतरे को भांपते हुए एक जागरूक ग्रामीण ने, यहाँ के नागरिक हैं और इन्होंने
उसे पकड़ा है। आप देख पा रहे हैं कि यह जंगल से पूरा जो है टच है यह क्षेत्र, और देखिए वहां से जो है यह आया हुआ है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार श्रीवास है। तो श्रीवास जी, कब कितने देर पहले आपने इस जीव को पकड़ा है? अभी करीब 45 मिनट के आसपास हो गया होगा। तो क्या समझ के, क्या सोच के आपने पकड़ा, उद्देश्य क्या था? जीव है सर, कुत्ते लोग दौड़ा रहे थे, मार के काट खा लेते, इससे जान बचाने के लिए अपना फर्ज निभाए। क्या नाम आपका है? मैं दिनेश श्रीवास। तो यह थे दिनेश श्रीवास जी, जिन्होंने एक क्षेत्र में जागरूकता लाने उद्देश्य से, साथ ही वन्य जीव को बचाने के उद्देश्य से यह जो है कृत्य किया है, बेहद ही सराहनीय है। उसके पश्चात वन विभाग को भी सूचना दी गई समाचार भारती की टीम के द्वारा, और समाचार भारती की टीम को इन सबों के द्वारा बुलाया भी गया, और हम सब मौके पर यहाँ पर मौजूद हैं। और इसको सुरक्षार्थ, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि इसे कानन पेंडारी उपचार हेतु भेज दिया जाएगा, उसके पश्चात वन विभाग के द्वारा इसे सुरक्षित जंगल को छोड़ दिया जाएगा जहाँ के यह निवासी हैं। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती, जय हिंद।